एक यूट्यूबर बैठा है अमेरिका के अंदर, हसन अल्लाह यारी है, और वो एक खास मसलक का नुमाइंदा अपने आप को कहता है। तो उसका वो कह रहा है, मैंने उसको क्लिप बार बार सुना, वो कहता है मेरा चैलेंज है अबू बकर उमर का ईमान साबित करो, इस्लाम साबित करो। वो मुसलमान थे, मैंने कहा मेरा भी चैलेंज है, अगर अबू बकर उमर मुसलमान नहीं थे, कायनात में कोई भी मुसलमान नहीं, मुझे बताओ 2.5 साल मुसल्ला रसूल पर नबी पाक के बाद कौन इमाम रहे हैं, कौन इमाम रहे हैं? उनके पीछे अबू बकर सिद्दीक ने जो मौला अली ने जो नमाजें पढ़ी हैं, उनको मुसलमान समझ के पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अगर अबू बकर सिद्दीक को हजरत अली मुसलमान नहीं मानते थे तो उनके पीछे नमाज क्यों पढ़ी? समझिए ना यार, मैं वो बात मौला अली की जात बहुत ऊंची है, हम ऐसा लफ्ज भी नहीं कहना चाहते जिसमें गुस्ताखी का शायबा हो। मौलाना मुदस्सर साहब मुसल्ले पर खड़े हो, मेरे दिल में इनके लिए मैल और मैं इनके पीछे नमाज नहीं शुरू कर दूं पीछे इस इमाम दे, बताओ ये मुनाफकत है कि नहीं? मुनाफकत है कि मौला अली 2.5 साल सदीक अकबर के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, बताओ किस नियत से पढ़ रहे हैं? हमारा अली वो है जो जन्नतियों का सरदार है, जो कातलुल मुशरिकीन है, कातलुल काफिरीन है और कातलुल मुनाफिकीन है। अली के दिल में निफाक कहां से आ सकता है? वो तो मंबा ईमान है और मशअले ईमान है। वो 2.5 साल पीछे नमाजें पढ़ के बता रहे हैं, अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता, अपना इमाम भी मानता। और यही हाल 10 साल हजरत फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ी है और 12 साल सैयदना उस्मान गनी के पीछे नमाजें पढ़ी है, बताया है। तो मैं इनको सिर्फ मुसलमान क्या, मैं तो इनको अपना इमाम भी समझता हूं। इसलिए तो जब मौला अली सैयदुल औलिया खड़े होते होंगे तो क्या कहते होंगे, जब अबू बकर आगे, उमर आगे, उस्मान आगे, तो क्या नियत कहते होंगे पीछे? तो यही तो मेरा भाई वो कहता है कि बताओ अबू बकर उमर के ईमान की क्या दलील है। मैंने कहा अबू बकर उमर के ईमान की दलील ये है कि मौला अली उनके पीछे नमाज पढ़ते। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।